आज मैं जब आया फ्लाइट में, मेरे बगल में एक गोवा का आदमी बैठा था, तो बोलता है सर गोवा में अभी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने अपने कैबिनेट में चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं, एक एक हीरा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि एक मंत्री है उसने सेक्स स्कैंडल किया, उसे रिजाइन करना। उसने कहा सर एक और मंत्री है जो अभी कोरोना जब हुआ वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, वो वेंटिलेटर स्कैम कर रहा था, वो ऑक्सीजन का स्कैम कर रहा था, वो दवाइयों का स्कैम कर रहा था। उसने कहा सर एक तीसरा मंत्री है वो गोवा के युवाओं को नौकरी देने के लिए 20-20 लाख रुपए लेता है। उन्होंने कहा एक MLA है उसके ऊपर माइनर्स को रेप करने का, छोटे छोटे बच्चों को रेप करने का चार्ज लगा हुआ है, उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा, आवाज उनके घर तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कितने शानदार हीरे उन्होंने इकट्ठे किए हुए। उसने कहा मटका किंग तो इतने सारे भरे हुए हैं इनकी कैबिनेट। एक और है मंत्री इनका, उसने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर किए दे दिया। एक और है मंत्री उसने पावर स्कैम किया, एक और है मंत्री उसने लेबर स्कैम किया, एक और है मंत्री उसने तो कचरे का स्कैम कर दिया, गार्बेज स्कैम कर दिया। दोस्तों गोवा इज अ फर्स्ट क्लास स्टेट विद एब्सोल्युटली थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस। आई थिंक गोवा